लेडी डॉन अनुराधा और कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी की शादी से पहले दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के 5 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विदेशी हथियारों के साथ इन शार्प शूटरों को द्वारका इलाके से दबोचा और पुलिस का दावा है कि स्पेशल सेल को इनपुट मिला था कि काला जठेड़ी की शादी के पहले हरियाणा के रोहतक में बड़ी गैंग वॉर होने वाली थी। बॉस काला जठेड़ी को मिशन मैरिज के लिए गैंगवार का गिफ्ट देने निकले थे हरियाणा के ये 5 खतरनाक शूटर, लेकिन दिल्ली आकर ये वापस नहीं जा पाए। दरअसल 12 मार्च को दिल्ली के द्वारका में गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की शादी होनी है। संदीप उर्फ काला जठेड़ी के सिर पर 40 से ज्यादा मर्डर केस दर्ज है। IPC की दर्जनों धाराएं लगी हैं। बम्बीहा और बवाना गैंग जैसे खतरनाक दुश्मन काला जठेड़ी की जान के दुश्मन हैं। इन सब के बावजूद काला जठेड़ी का जग जाहिर प्यार और खुल्लम खुल्ला शादी की तैयारी, इसीलिए एक गैंगस्टर की शादी ने 4 राज्यों की पुलिस की नींद हराम कर रखी है। पुलिस के सतर्क रहने का ही नतीजा है कि दिल्ली के द्वारका से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 शार्प शूटरों को दबोच लिया। ये सभी शार्प शूटर काला जठेड़ी गैंग के ही बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये 5ों काला जठेड़ी की शादी से पहले बड़ी और संगीन वारदात को अंजाम देने के इरादे से ही निकले थे, जिसकी गवाही इनके पास मिले हथियार दे रहे हैं। पकड़े गए शूटरों की पहचान राहुल उर्फ बाबा, परवीन उर्फ दादा, रोहताश, मोहन और सचिन के रूप में की गई है। राहुल उर्फ बाबा के कब्जे से PX-30 मेड इन चाइना पिस्टल, परवीन उर्फ दादा के कब्जे से एक पी बरेटा पिस्टल, रोहताश के पास से 32 बोर की पिस्टल, मोहन के पास से एक देशी पिस्टल और सचिन के पास से 4 कारतूस बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि काला जठेड़ी की शादी के पहले उसके इशारे पर हरियाणा के रोहतक में बड़ी खूनी गैंग वॉर होने वाली है। इसके तार हरियाणा की जेल और दिल्ली की तिहाड़ जेल से जुड़े हुए हैं, इसलिए पुलिस ने जाल बिछाकर इन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने शादी के लिए चौतरफा इंतजाम किए हैं। मसलन अगर खुद संदीप उर्फ काला जठेड़ी और अनुराधा पुलिस को चकमा देकर शादी के मंडप से भागने की कोशिश करेंगे तो भी उनकी कोशिशें नाकाम करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। यही नहीं, काला जठेड़ी के दुश्मन अगर उसकी शादी के रंग में भंग डालने की कोशिश करेंगे तो उसका एक्शन प्लान भी पुलिस ने तैयार कर लिया है। दिल्ली के द्वारका से लेकर सोनीपत के जठेड़ी गाँव तक पुलिस का बंदोबस्त बहुत पुख्ता है। शादी के लिए काला जठेड़ी तिहाड़ जेल से जबरदस्त पुलिस सुरक्षा घेरे के बीच बाहर आएगा और पुलिस 6 घंटे के भीतर उसकी शादी करवाकर उसे वापस तिहाड़ पहुंचा देगी। और दिल्ली में 2 दिन बाद लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी होने जा रही है। ये शादी 12 मार्च को दिल्ली में होगी। संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी गैंगस्टर अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज यानी रिवॉल्वर रानी से होगी और इस शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 11 मार्च को मेहंदी की रस्म होगी और 12 मार्च को शादी होगी। शादी के लिए संदीप उर्फ काला जठेड़ी को 12 मार्च को 6 घंटे की पैरोल मिली है और इसी 6 घंटे में शादी की रस्में पूरी की जाएंगी। और गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन की शादी के लिए बैंक्वेट हॉल में मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि काला जठेड़ी की शादी में 150 से 200 लोगों की मौजूदगी वहां रह सकती है। बैंक्वेट हॉल के CCTV कंट्रोल रूम से पुलिस सभी मेहमानों पर नजर रखे बनाएगी और ऐसे में देखिए पूरा बैंक्वेट हॉल बुक है। मंडप तैयार है काला जठेड़ी और गैंगस्टर अनुराधा चौधरी के लिए और इस जगह पर जो लोग रहेंगे उनमें सबसे ज़्यादा तादाद पुलिस की होगी, क्योंकि हालांकि अनुराधा ने ये कहा है कि जो भी इस शादी में शरीक होंगे उनमें उनके मेहमान होंगे, दोनों पक्षों के कुछ एडवोकेट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं जो उनके जान पहचान वाले हों या फिर उन्हें वो न्योता दे। हालांकि कौन कौन यहाँ पर आता है ये बात की बात है, लेकिन ये जो तैयारियाँ हैं ये मंडप है और यहाँ पर शादी होगी, साथ ही स्टेज है जहाँ पर वरमाला का कार्यक्रम होगा, लेकिन 6 घंटे के दौरान ही इस पूरी शादी को किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2 गैंगस्टर के बीच में होने वाली शादी, क्योंकि दोनों पर आपराधिक मामले कई सारे हैं और इस वक्त मैडम मिंज जमानत पर बाहर है, जबकि काला जठेड़ी तिहाड़ जेल में बंद है और
फिलहाल की मंडोली जेल में वो बंद है, उसे 12 मार्च की सुबह वहाँ से निकाला जाएगा और जेल वैन में वो जब यहाँ पर पहुँचेगा तो दूल्हे की पोशाक में वो यहाँ पर पहुँचेगा या फिर उसे पोशाक यहीं पर दी जाएगी, ये देखना होगा। लेडी डॉन यानी मैडम मिंज ऑफ अनुराधा चौधरी शादी को लेकर बेहद उत्साहित हैं। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो दोनों अब नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए न्यूज 18 इंडिया पर अनुराधा चौधरी हैं, जो बहुत जल्द साथ फेरने जा रही हैं। पहले तो आपको शादी की शुभकामनाएं। अभी आपका एक लंबा सफर था जो क्राइम की दुनिया का रहा है, आप पे किडनैपिंग के आरोप लगे हैं, बहुत सारी आपने जेल भी गई हैं, अब आप किसी घर की बहू बनने जा रही हैं, एक गैंगस्टर के घर की, और शादी करने जा रही हैं, पहली प्रतिक्रिया? मैं खुश हूं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दीपक वासन साहब की कोर्ट ने हमें परमिशन दी है। एक क्रिमिनल का एक प्रोसेस होता है रिहैबिलिटेशन का, पुनर्वास, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि लोग डायलॉग तो मारते हैं लेकिन कोई अलाउ नहीं करता है कि वो दोबारा समाज में मेन स्ट्रीम में लौटे। उसके लिए स्टेप्स उठाना या फिर इस तरीके के आदेश देना बहुत चैलेंजिंग काम होता है। उन्होंने हमें अलाउ किया तो मैं काफ़ी खुश हूँ और मुझे लगता है कि हमारे बाद में और लोगों को भी परमिशन मिलेगी और लोग भी क्राइम से वापस मेन स्ट्रीम में लौटेंगे। संदीप उर्फ काला जठेड़ी की कितने साल बाद अपने घर वापसी हो रही है जठेड़ी गांव में? 16 या 15 साल बाद। तो परिवार के लिए जाहिर तौर पर एक खुशी का मौका है, चाहे उनका बेटा जेल में रहा इतने साल तक और अभी भी जेल ही जाएगा शादी के बाद, क्या कहना चाहेंगे? उनकी माँ खास तौर से बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा दोबारा वापस उनके पास में आए, ये सब चीज़ें छोड़ के उसका घर बसे, और वो इच्छा पूरी होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि गृह प्रवेश के साथ में थोड़ी बहुत इच्छा उनकी पूरी हो जाएगी। अनुराधा चौधरी, मैडम मिंज ने तो क्राइम की दुनिया छोड़ दी, अपराध का रास्ता छोड़ दिया है, आप, हमने आपका पहले भी इंटरव्यू किया था, लेकिन क्या संदीप अब जुर्म का रास्ता छोड़ेंगे, शादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे? जितने मुकदमे चल रहे हैं वो जब खत्म हो जाएंगे या सजा हो जाएगी उनको? वो छोड़ चुके हैं, उन पे एलिगेशन लग रहे हैं लेकिन जब इंक्वायरी होती है तो पता चलता है कि वो सिर्फ एलिगेशन है, फैक्ट कुछ भी नहीं है। तो संदीप इन सब चीज़ों से दूर हो चुके हैं। अनुराधा, आपकी शादी बिल्कुल फिल्मी शादी के तौर पर देखी जा रही है, काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि एक कुख्यात लेडी डॉन रही हैं आप, आपके ऊपर आरोप लगे हैं बहुत सारे। संदीप 4 राज्यों के वांटेड रहे हैं, बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। आपकी शादी पर गैंगवार का छाया भी मंडरा रहा है, ऐसे भी एजेंसी के सूत्र हैं, बहुत सारी पुलिस वहाँ पर होगी, क्या आपको डर लग रहा है? नहीं, डर जैसा कुछ नहीं है। दिल्ली डिपार्टमेंट और हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट ने, और भी स्पेशल सेल है, क्राइम ब्रांच है, और इस तरीके के डिपार्टमेंट ने हमें अश्योरेंस दिया है और मुझे लग रहा है और वाकई में फैक्ट भी यही है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं।